असलमैकम वेलकम टू जंजानी टीवी मैं हूँ सैयद मुसबर अली जंजानी और हमारा जो आज का दिन है बेसिकली तीस अप्रैल का दिन तीस अप्रैल का दिन और इस्लामी डेट के मुताबिक देखा जाए तो बेसिकली आज का दिन फतेह बदर का दिन है जो तो कि दो हिजरी में फतह नसीब हुई थी तो आज का दिन काफ़ी हद तक मुबारक दिन है और आप लोगों को इल्म है के गज़बाए बदर जिसमें सिर्फ तीन सौ तेरह अहहाब थे और तीन सौ तेरह अब के मुकाबले में आगे एक बहुत बड़ा लश्कर था तो अल्लाह तला की गैबी मदद नुसरत हासिल हुई थी फरिश्तों के ज़रिए तो ये एक बहुत से बहुत बड़ी फतह थी इस्लाम की और इसके बाद जितने भी काफ़र थे जितने भी मुश्किन थे उनके दिलों के ऊपर इस्लाम की एक हैबत तारी हो चुकी थी और काफ़ी हद तक इस्लाम फलने का फूलने का जो अमल था उसमें तेज़ी आना शुरू हो गई थी तो आज के दिन को देखा जाए तो बहुत मुबारक दिन है वैसे भी रमज़ान की मुबारक घड़ियाँ चल रही हैं आज के दिन के अकॉर्डिंगली प्लानी पोजिशन को देखा जाए तो पहला जॉडिकस बुर्ज जुड़ज आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है आज के दिन थोड़ा सा अपने मिजाज में नरमी को आप लोगों ने हावी रखना है थोड़ा सा अपने मिजाज में आप लोगों ने कोशिश करनी है कि नरमी इख्तियार करें अंदाज़ गुफ्तु में बहुत ज़्यादा नर मिजाजी मोहब्बत का पहलू शामिल रखें क्योंकि आज के दिन थोड़ी सी मिजाज में तलखी नज़र आती है और ये तलखी वो है जो कि आपके ना सिर्फ रिलेशन को बल्कि ख़ानगी माहौल को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है तो इस तलखी को बचने के लिए तलखी से महफूज रहने के लिए ख़ानगी माहौल को खुशगवार रखने के लिए आज के दिन कोशिश करें कि आपके लहजे में मिठास हो और बहुत सारी चीज़ों को आप लोग दरगुजर कर दें तो ज़्यादा मुनासब है एंड टॉरस बुरजसौर बुरजेसौर आप लोगों का जो बेसिकली आज के दिन है आज के दिन के एतबार पर आप लोग रोमानवी मामला में काफ़ी हद हाँ तक एक्टिव नजर आते हैं रोमानवी मामला में भी और इसके साथ साथ अजदवाजी मामला में भी खुशगवाराना माहौल इंजॉय करते हुए नज़र आएंगे और मतवक तौर के पर आपके जो प्रॉब्लम्स अगर चल रहे हैं अपनी मुलाजमती काम के दौरान या फिर पार्टनरशिप के कामों के दौरान उन प्रॉब्लम्स को भी आप लोग आज बड़ी खूबसूरती के साथ इन शाला लेंगे सन मनाए नैगजॉटिकएँ बुर्जा बुर्ज जोजा आप लोगों को जो बेसिकली आज का दिन है आज के दिन थोड़ा सा सरमाकारी के लिए रास्ता हमवार होता हुआ नजर आता है आपको कुछ नए पुरकशिश स्कीमों में इन्वेस्टमेंट्स के मौाक़ नसीब होंगे लेकिन आज के दिन जल्दबाजी से गुरेज़ हद दर्जे करने की अशद ज़रूरत है जल्दबाजी के बजाय चीज़ों को आराम से रोक के सोच के समझें और अगले हफ्ते चीज़ों को फाइनलाइज करें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा नेक्स्ट ऑड एक बुरज सरतान बुरज सरतान के हामिल जो लोग हैं बेसिकली आज के दिन गैर मतवक़ मामलों में आप लोगों को थोड़ा सा फोर्सफुली एंटर किया जा सकता है आप लोग ना चाहते हुए भी अनएक्सपेक्टेडली तौर के ऊपर कुछ हालात का सामना आपको करना पड़ सकता है तो इस चीज़ के लिए पहले से थोड़ा सा मैंटली तौर के ऊपर आप लोग प्रपेयर रहेंगे तो ज़्यादा मुनासिब है अगर एकदम सी चीज़ें आपको करनी पड़ गई तो फिर आपको थोड़ा सा ज़हनी तौर पर डिप्रेशन भी होगा और वक्त का जिया भी होगा नेक्स्ट ऑर्डक्साइन लियो बुरजे उसद बुरज उसद के जो लोग हैं आज के दिन के एतबार आप लोगों का दूसरों के साथ काम का रुझान काफ़ी डिवेलप होता हुआ नज़र आता है और आज के अकॉर्डिंगली अपने ख़याल का इजहार अपनी सोच दूसरों के ऊपर जाहिर कर देना ज़्यादा मुनासिब और बेहतर है क्योंकि दूसरे जब तक आपके दिल की बात को समझेंगे नहीं अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपकी वो ख्वाहिशात उनसे पूरी नहीं हो सकती जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रिजे शुमला ब्रिज शुमला के जो लोग हैं आज के दिन के एतबार पे फैमिली मेम्बर्स के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजारते हुए नज़र आते हैं लेकिन आज के दिन आप लोगों को ना चाहते हुए भी अपने मिजाज में अपने सोच में अपने रूटीन में और या फिर अपने घर की थोड़ी सी सेटिंग्स में आप लोगों को तब्दीली करनी पड़ सकती है क्योंकि तब्दीली का दिन है और आज के दिन कहीं ना कहीं तब्दीली आपकी पर्सनैलिटी में और आपके इर्द गिर्द के माहौल में लाजमी आएगी चाहे आप लोग चाह रहे हों या आप लोग ना चाह रहे हो तो तब्दीली लाजमी करनी पड़ेगी तो खुशगवारी तब्दीली हो तो ज़्यादा मुनासिब और बेहतर रहेगा रज़ामंदी से तब्दीली होगी तो आप भी अपने आप को काफ़ी हद तक इन फ्रेश फील करेंगे नेक्स्ट जॉड बरा बुजर मैजान बुर्ज मैजान के हामिल जो लोग हैं बेसिकली आज के दिन के एतबारे घरेलू आ रईस स्पेशली खुतिन के लिहाज से काफ़ी हद तक एक मशरूफ़ दिन गुजरता हुआ नज़र आता है लेकिन इसके साथ साथ आज का दिन है बेसिकली आप लोगों ने कोशिश यह करनी है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो बग़ैर सदका के सफ़र बिल्कुल मत करें और जिस मकसद के लिए सफ़र है आपका आपने तमाम तर ट्रैवलिंग के लिहाज से चीज़ों को थोड़ा सा रिकनफर्म लाजमी करना है जिस भी मकसद के लिए सफ़र कर रहे हैं एक दफ़ा चीज़ों को रिकनफर्म करके फिर आप लोग अपने सफर का आगा करें तो ज़्यादा मुनासिब और खुशबक रहेगापियस एक एक बुट्रेक स्कॉर्पियंस के हामल जो बेसिकली लोग हैं आज के दिन माली फ़ायद का हासूल और एक डिप्रेशन जो पिछले तीन चार दिनों से आपके जहन के ऊपर थोड़ा सा सवार था उस डिप्रेशन से इनशाला आपको काफ़ी हद हाँ तक आज़ादी मिल पाएगी और आज के दिन आपकी कुछ दरीना ख्वाहिशा की तकमील भी कोशिश करने से मुमकिन में से इनशाला पूरी हो पाएंगी साइन ियंस आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है अचानक से हालात में कुछ तब्दीली रूनमा हो सकती है अनएक्सपेक्टेडली तौर के ऊपर दूसरों के रवैये तब्दील हो सकते हैं आप लोग चीज़ें इस तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होंगे चीज़ें उस तरह समझ नहीं पा रहे होंगे जिस तरह लोग आपको कह रहे हैं जिस लोग आपसे चाह रहे हैं तो लोगों के रवैयों में थोड़ी सी तब्दीली है हालात में थोड़ी सी तब्दीली है और इस तब्दीली को समझने के लिए आप लोग दिन के इब्तई लम्हात से ही अपने मिजाज को अपनी सोच को थोड़ा सा वसअत दें ताकि ओपनली चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर पाएँ एंड कैप्रिकॉन बुर्जो जल्दी कैप्रिकॉन आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है सोच में तो तख्लीकी पहलू उजागर हैं लेकिन उस तखलीकी पहलू का फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब आप अपने तखैल को हकीकत का रंग नहीं देंगे तहैल को हकीकत का रंग देने के लिए अशद ज़रूरी है कि चीज़ों को आप लोग फाइनलाइज़ करें गो थ्रू करें या फिर दूसरों के साथ शेयर करें और शेयरिंग करने से आपको मौके मिलेंगे कि आप लोग हकीकत के रंग में अपने तसवर को ढाल पाएँ साइन एक्वेरियस बर्जे तलब एक्वेरियस आप लोगों को जो बेसिकली आज का दिन है काफ़ी हद तक रोमानवी माहौल आपकी सोच और मिजाज के ऊपर एक्टिव और हावी नज़र आता है लेकिन जहाँ पर रोमानवी माहौल में बहुत ज़्यादा वक्त आपका सर्फ हो सकता है वहीं पर आप लोगों के सोशल लिंक्स थोड़े से डिस्टर्बेंस का शिकार हैं आपके कुछ दोस्त या फिर सोशल लिंक्स जिनसे आपको चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं भर वक्त चीज़ें अंजाम ना होने के ऊपर थोड़े से रवाबत में प्रॉब्लम आ सकती हैं तो कोशिश करें कि आपकी पर्सनालिटी या आपकी ज़ात की वजह से वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं हो अगर दूसरे फरीक की वजह से वो चीज़ें हो रही हैं तो ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर अगले वीक चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी लास्ट जॉड एक्सेंट पाइस बुजहॉर पाइस आप लोगों का जो बेसिकली आज का दिन है आज के दिन के एतबार पर थोड़ी सी इजाफ़ी रकम आप अपने आज के बजट में लाजमी तौर तो के ऊपर शामिल हाल रखें क्योंकि आज के दिन कुछ नागहानी तौर तो के ऊपर अखराज हो सकते हैं तो नागहानी अखराजा आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम मत करें तो अपने बजट को ऑलरेडी आप लोगों ने इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि आज के दिन के एतबार पर अगर कोई अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें आ रही हैं तो आप लोग उसके बारे में बिल्कुल भी फ़िक्रमंद ना हो और ज़हनी तौर तो परेशान मत हो इसके साथ साथ जो बेसिकली आपका आज का दिन है करियर कारोबार रोजगार के लिहाज से आपका आज का दिन काफ़ी हद तक मजबूत है अगर किसी दूसरे के ज़रिए आपने कुछ काम करवाना है तो उसका इजहार कर देना ज़्यादा मुनासब रहेगा आज के दिन के लिहाज से बहुत सारी दुआओं के साथ इजाजत है अपना ख्याल रखिएगा इन शर्त ज़िंदगी आपसे कल पर मुलाकात होगी अल्लाह